दामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो, चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हो रहा है 25 अगस्त 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आपके सामने लाया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम जो हो रहे हैं अभी, उसका 25 अगस्त 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन रीजनिंग का आपके सामने लेकर क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है, कितने फायदे कितने नुकसान, हर एक बात पता चलेगा। तो चलिए शुरू किया जाए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न संख्या 1। यहां पर देख रहे हैं सर्कल नुमा ये जो है रेखा इस प्रकार से खींचा जो गया है, तो इसको यहां पर क्या क्या करना है नहीं करना ये बताना। तो चलिए ये यहां पे लाइन है, अभी ये बिंदु यहां पर, ये बिंदु यहां चला गया, यानी कि 90 डिग्री यहां से यहां जाना, यानी कि 90 डिग्री ये हुआ, ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है। तो ये अभी सर्कल नुमा ये यहाँ पर है, तो यहाँ से बाबू क्लॉकवाइज 90 एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाइए, क्योंकि ये भी 90 डिग्री घुमा है, तो इसको यहाँ से 90 डिग्री घुमाएंगे यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब है इस जगह पे ये होगा आकृति, और वो है किस में, तो वो है बाबू ऑप्शन 4 नंबर में, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। क्वेश्चन हमारे पास यहां पर देखिए, ये दोनों अपोजिट गया, तो उसी प्रकार से ये दोनों यहां पर अपोजिट जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, पियानो संगीत के लिए है तो साहित्य के लिए क्या है। पियानो का संबंध जो है, पियानो एक वाद्यंत्र है और जो संगीत बनाने में उसका काम आता है या उसका ध्वनि होता है, तो उसी प्रकार से बाबू साहित्य तो कविता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन, साहित्य का संबंध कविता से होता है। इसके बाद है ओटिटिस मीडिया कान से संबंधित रोग है, तो मोतियाबिंद बाबू आंख से संबंधित रोग है, आंसर हो जाएगा मोतियाबिंद का आंख, सी ऑप्शन। 749 से संबंध है, तो 9 किससे, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर 81 होता है, आंसर इसका भी हो जाएगा ऑप्शन 81, 2 नंबर बी ऑप्शन। चलिए इसके बाद की कहानी है, क्वेश्चन नंबर है बाबू 6। यदि आप शुरू में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर से बायां इधर से लिखा गया है क्वेश्चन में, लिखा यदि आप शुरू में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं, दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़े हैं यानी कि साउथ में मुंह करके खड़े हैं, और फिर 180 डिग्री बाएं ओर घूमते हैं, अब किस दिशा की ओर मुंह करके होंगे। तो 180 डिग्री का मतलब ये 90, आंसर हो जाएगा बाबू नॉर्थ में उत्तर दिशा में, ऑप्शन हो जाएगा इसका नॉर्थ में उत्तर दिशा में, 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए फिर से एक बार बता दें,
यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हो रहा है 25 अगस्त 2025 के फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन का डिस्कशन अभी चल रहा है। डीआई का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है ध्यान से देखिए। 8 नंबर सवाल को, 8 नंबर सवाल को हम लोग अभी बनाएंगे यहां पर। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट क्या लिख रहा है देखिए। अरुण अनु के घर जाना चाहता, अनु का घर प्रिया के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है, प्रिया के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, अरुण अनु का घर प्रिया के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम मतलब इधर प्रिया के घर से, ये बाबू प्रिया के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है अनु का घर उत्तर पश्चिम में, ठीक है। जो थारून के घर से 12.5 किलोमीटर पूरब में है, जो यानी कि प्रिया का घर जो है उत्तर पूरब उत्तर पश्चिम दिशा में है, प्रिया का घर उत्तर पश्चिम में थारून के घर से, तो ये यहाँ पर बीच में रख देते हैं थारून का घर होगा, क्योंकि रूट अंडर 12.5 का हो जाता 3.5 के आसपास हो जाता है, ठीक है। इसलिए चलिए इसके बाद की कहानी क्या है। थारून का घर अरुण के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, अच्छा अब थारून का घर जो है अरुण के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, थारून का घर हो जाएगा बाबू यहां पर, कुछ पॉइंट्स गड़बड़ हो गया मेरा, थारून का घर हो जाएगा यहां पर, ठीक है उत्तर पश्चिम ये भी बोला है। क्या लिखा है, जो थारून के घर से पूरब में है, सॉरी अनु का घर प्रिया के घर से 5 किलो, अनु का घर प्रिया के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, जो थारून के घर से 12.5 किलोमीटर पूरब में है, 12.5 किलोमीटर पूरब में है थारून के घर से 12.5 किलोमीटर पूरब में, यानी कि इधर है थारून, ऐसे करके होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है देखिए, थारून का घर अरुण के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ऐसे, ठीक है। थारून का घर अरुण के घर से उत्तर पश्चिम में है, यानी कि अरुण का घर है इधर, अरुण का घर है इधर और यह है 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, क्लियर। तो अरुण का घर अनु के घर से किस दिशा में, अरुण का घर जो है अनु के घर से ये इस प्रकार से होगा और इस प्रकार से होगा, यानी कि ये रेखा होगा, यानी कि हो जाएगा साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ऑप्शन साउथ ईस्ट में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। हम फिर से आप लोगों को बोल दे रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का 25 अगस्त 2025 का क्वेश्चन डिस्कशन किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंस उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा ऑप्शन है जो इसके प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है, ये हमको देखना। PEENAD लिखा हुआ है यहाँ पर, PEENE और D ये तो बन रहा है, NAD ए लेटर इसमें कहीं भी उपलब्ध नहीं है, यही जो है नहीं बनेगा ऑप्शन सी, क्योंकि ए लेटर उपलब्ध नहीं है इसलिए। चलिए अगला सवाल हमारे पास लिख रहा है, T20 क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन 120 थे, T20 क्रिकेट मैच में एक टीम के द्वारा बनाए गया टोटल रन था 120, ठीक है। इनमें से 60 रन स्पिनर ने बनाए,
और 60 रन बनाए किसने, तो स्पिनर ने। तो टीम में 20% स्पिनर है, ये कोई जरूरी बात नहीं है। मध्य क्रम के बल्लेबाज स्पिनर थे, ये भी कोई जरूरी बात नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों अनुसरण नहीं करता है। अगला सवाल है यहां पर हमारे पास, एस क्यू का पिता है, ये कौन सा विकल्प दर्शाता है, ये हम लोगों को बताना है। क्या चीज एस, एस जो है वो क्यू का पिता है, इसके बारे में सवाल है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं एस क्यू का पिता है ये कैसे होता है। तो हमारे पास जो सवाल है उसके हिसाब से चलिए, पिता है तो ये देखिए डॉलर का चिन्ह बन रहा है पिता के लिए, तो एस क्यू का पिता है, एम एन का पिता है, अगर एस के बाद हम डॉलर का चिन्ह दे दें तो उससे वो पता चल जाएगा कि एस पिता हो रहा है, और एस के बाद डॉलर का चिन्ह किसी भी विकल्प में दिया हुआ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, डायरेक्ट नहीं बना तो इनडायरेक्ट बनेगा और क्या। तो हमारे पास एट द रेट का अर्थ है बहन, अगर बहन का पिता हो जाए तो वो भी ठीक है। तो चलिए एम एन, एम परसेंटेज एन, ये बाबू पुत्र हो रहा है, और यहाँ पर एट द रेट का अर्थ हो रहा है ये बहन हो रही है, बहन हो रही है, तो ये क्या हो गया, ये पुत्र है और ये पुत्र की बहन है, तो पुत्र की बहन तो पुत्री, तो पी पुत्री है एस की, लेकिन एस का जेंडर यहाँ क्लियर नहीं है, एस का जेंडर यहाँ क्लियर नहीं है, एस माता भी हो सकती है और एस पिता भी हो सकता है, इससे अभी तो क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए अब यहाँ देखें एट द रेट का क्या है, एम एन की बहन है, बहुत अच्छा, और ये डॉलर है तो एम एन का पिता है, बहन का पिता, तो क्यू पिता हुआ ना कि एस पिता हुआ, ये तो कन्फर्म गलत है, यहाँ पर पी क्यू पिता हो रहा है और ये परसेंटेज है ये पुत्र हो रहा है, ये भी गलत है, और यहाँ पर एट द रेट है ये बहन हो रही है और ये परसेंटेज है ये पुत्र हो रहा है, बहन का पुत्र नहीं, यानी कि जितना है हमारे पास उससे विकल्प दो ही अभी तक सही है, जबकि ये भी कन्फर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखेंगे, लिख रहा है इसमें कि जी ए आर एन आई टी अक्षर का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो ट्रेन इससे बनेगा टी आर ए आई एन, ट्रेन, ऑप्शन बाबू दो नंबर बी ऑप्शन, ये शब्द इसका बन जाएगा। यहां पर देखिए क्या है, बादल बारिश से उसी प्रकार संबंधित है, बादल लगने के बाद बारिश होती है, बादल के बाद बारिश होती है तो हवा, हवा के बाद क्या होता है, हवा के बाद बाबू ठंडा होता है, ठीक है, हवा चलने से मौसम ठंडा हो जाता है, धूल जब तूफान, जब तूफान तो फिर बाबू धूल, हवा से धूल नहीं तूफान से धूल, तूफान उड़ना अलग, तूफान के तरह जब हवा चलेगा तब बाबू वो धूल उड़ाता है। चलिए अगला सवाल, कितने शिक्षित व्यक्ति पिछड़े माने जाते हैं, पिछड़े शिक्षित, पिछड़े कितने शिक्षित व्यक्ति पिछड़े, तो पिछड़े लोग और शिक्षित यानी कि स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों में आना चाहिए, स्क्वायर और ट्रायंगल में ये देखिए, स्क्वायर और ट्रायंगल में 11 और 3 14 दोनों आ रहा है, आंसर हो जाएगा 11 और 3 ऑप्शन बाबू दो नंबर, 11 3 14 बी ऑप्शन, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, डायग्राम वाला क्वेश्चन है हमारे पास, एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, 26 व्यक्ति हिंदी समाचार पत्र पढ़ते हैं, 29 व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा समाचार पत्र पढ़ते हैं, इसके अलावा 14 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं, हिंदी 14 व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं, 26 व्यक्ति हिंदी समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके अलावा 14 व्यक्ति अंग्रेजी हिंदी दोनों, 15 व्यक्ति हिंदी और क्षेत्रीय भाषा के अखबार पढ़ते हैं, यहाँ पर तो कुछ लिखा हुआ है पता नहीं चल पा रहा है, इतने व्यक्ति अंग्रेजी और
और क्षेत्रीय भाषा दोनों प्रकार का समाचार पत्र पढ़ते हैं, आठ व्यक्ति तीनों प्रकार का समाचार पत्र पढ़ते हैं। चलिए, आठ व्यक्ति को जो है तीनों प्रकार का समाचार पत्र हमको पढ़ने के लिए अभी देना, तो आठ व्यक्ति यहाँ हो जाएंगे जो तीनों समाचार पत्र पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, 15 व्यक्ति हिंदी और क्षेत्रीय भाषा, ये हो गया बाबू क्षेत्रीय भाषा, तो 15 व्यक्ति हो गए हिंदी और क्षेत्रीय भाषा वाले, तो 15 व्यक्ति हो गए हिंदी और क्षेत्रीय भाषा वाले, तो जिसमें कि आठ व्यक्ति ऑलरेडी हमारे पास ऐसे उपलब्ध है, आठ व्यक्ति हमारे पास ये है, 15 व्यक्ति चाहिए, ये टोटल का टोटल एरिया 15 का, तो 8 ये तो हो गया इधर कितना, तो 7, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7, ठीक है। इसके बाद क्या है, 15 व्यक्ति हिंदी और क्षेत्रीय भाषा दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, इतना व्यक्ति अंग्रेजी और क्षेत्रीय दोनों भाषा पढ़ते वो देख लेंगे, 8 व्यक्ति कितने लोग केवल, चलिए ठीक है, फिर से एक बार 26 व्यक्ति, 29 व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा, 29 व्यक्ति जो है वो बाबू क्षेत्रीय भाषा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 29 आ जाएगा, हो गया खत्म। एक डाटा सिर्फ हमारे पास ये रह रहा है, उसको भी पढ़ लेते हैं, 21 के बाद 26 के बाद 29 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद वाला चाहिए मुझे 12, क्या लिखा है, 12 व्यक्ति अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा दोनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं, अंग्रेजी और क्षेत्रीय दोनों 12, 8 ये हो गया, तो 4 इधर लगा दीजिए, 8 और 4 12 हो गया, 21 टोटल यहां पर लाना है, ठीक है, 29 टोटल यहां पे लाना है, 8 4 12 12 और 7 19, 19 और 10 29 हो गया, 8 4 12 12 7 8 4 12 7 19, 19 और 10 29, ये हो गया टोटल 29 यहां पर हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास इधर क्या है, आठ व्यक्ति तीनों, कितने लोग केवल क्षेत्रीय भाषा का समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो केवल क्षेत्रीय भाषा का समाचार पत्र पढ़ते हैं 10 आदमी, ऑप्शन हो जाएगा 10, ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर, आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर, ठीक है। चलिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का 25 अगस्त 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है। क्वेश्चन है अगला 17, यहाँ देखिए क्या लिखा है, सी 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 सी, तो यहाँ पर भी बाबू सी ही होगा, ठीक है, 22 के बाद अल्टरनेट अगर चलते हैं तो यहाँ पता नहीं क्या होता है, नहीं पता, 2 4 6 8 10, 2 4, ये वाला बाबू नहीं अभी बन रहा है, चलिए देखेंगे इसको लास्ट में, मान लीजिए हो गया। और ये क्वेश्चन जो है मैथ्स का क्वेश्चन है 18 नंबर 19 नंबर, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी से कहती है नियमित रूप से अध्ययन करने के शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर होता है, इस कथन का निहित अर्थ क्या है, कथन का अर्थ पूछा जा रहा है क्या चीज, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी से कहती है नियमित रूप से, अगर डेली नियमित रूप से अध्ययन करने के लिए करने से शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर होता है, अगर आप नियमित रूप से अध्ययन करते हैं तो उससे क्या होता है, शैक्षणिक स्तर आपका बढ़ता है, ये बात इसमें कहा जा रहा है, तो पढ़ाई का शैक्षणिक प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल ही गलत बात है, अनियमित पढ़ाई भी उतनी ही कारगर होती है, बिल्कुल ही गलत बात है, नियमित अध्ययन की आदतें ग्रेड में सुधार लाती है, शैक्षणिक प्रदर्शन अनियमित है, गलत बात है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 नंबर, बी ऑप्शन। ये मिश्रण है, मैथ्स है, मैथ्स है, मैथ्स है, इसमें तो लगता है लगभग सब मैथ्स का ही क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे आइए, इसमें देखा जाए, इसमें भी तो सभी मैथ्स ही है, अभी तक मैथ्स का ही क्वेश्चन है, चलिए यहाँ जो क्वेश्चन है, विषम को छांटे 40 96 49 13 58 32 33 80,
ठीक है। और ये क्या क्वेश्चन है, 4096 9413 13 और 6 19 9413 114 14 और 3 17 8513 215 15 217 8311 11 और 3 14 नहीं ये तो कुछ नहीं हुआ। देखा जाए तो 4913 विषम संख्या है, बाद बाकी सब जो है सम संख्या है। चलिए आगे 220 है 221 है, प्लस 1 हुआ यहाँ पर, प्लस 8 हुआ यहाँ पर, प्लस 27 होगा यानी कि 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब तो यहाँ पर बाबू 4 का क्यूब यानी कि 64 इसमें ऐड कर देना, 6 4 10 के शून्य हाथ में आया 1 25 और 1 26 और 6 32 320 320 ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है आइए इसमें यहां पर जो डिजाइन है इसको बनाना है मुझे, तो ये स्क्वायर के ऊपर सर्कल हाथ इधर निकलेगा, ये वाला हाथ इधर निकलेगा, पैर का बात कर लें तो ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा। ठीक है अब ऐसा डिजाइन ढूंढ लीजिए वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन 4 नंबर आकृति 4। सिंधु एक व्यक्ति का परिचय अपनी मां के भाई के बेटे के रूप में कराती है, सिंधु जो है एक व्यक्ति का परिचय किस रूप में कराती है, सिंधु एक व्यक्ति का परिचय अपनी मां के भाई तो मां का भाई, मामा के बेटा तो मामा का बेटा ममेरा भाई के रूप में कराती है, तो वह व्यक्ति जो है सिंधु का ममेरा भाई है, वह व्यक्ति सिंधु से किस प्रकार ममेरा भाई यानी कि कजिन, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ग्रीन का संख्या है 49, वायलेट और पिंक की संख्या के कोड के बीच का अंतर क्या है, चलिए 18 7 25 25 और 10 35 35 और 14 49 सभी लेटर के पोजीशन को जोड़ दिया गया तो 49 हो गया, यहां पर क्या है 20 20 40 2 42 42, इसके बाद 12 9 21 5 26 26 और 10 36 और 5 41 41 42 83 वायलेट का हो गया 83, पिंक का हो गया 16 9 25 14 11 25 25 50 और इसमें से घटा दीजिए तो 33 हो जाएगा, 33 ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। 3 बच्चे सैम जॉन एन आइसक्रीम खा रहे हैं, प्रत्येक बच्चा उपलब्ध स्वादों में से अलग स्वाद खाता है, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी बटर स्कॉच और वनीला, सैम वनीला नहीं खाता है, प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि उपलब्ध विकल्पों में से कौन क्या स्वाद खाता है सैम वनीला नहीं खाता है, सैम को वनीला पसंद नहीं है, तो सैम को स्ट्रॉबेरी पसंद है, स्ट्रॉबेरी पटर पसंद है, बटर स्कॉच पसंद है, चॉकलेट पसंद है। ठीक है जॉन स्ट्रॉबेरी नहीं खाता है, जॉन को स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है, तो जॉन को स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है। ठीक है एन कभी बटर स्कॉच नहीं खाती, एन को बटर स्कॉच पसंद नहीं है, बहुत बढ़िया। चॉकलेट और बटर स्कॉच एक साथ नहीं खाए जाते, वनीला और चॉकलेट को एक साथ खाया जाता है, वनीला और चॉकलेट एक साथ खाया जाता है यानी कि वनीला और चॉकलेट अगल बगल में ही रहेगा, वनीला और चॉकलेट अगल बगल में ही रहेगा, वनीला और चॉकलेट अगल बगल में ही रहेगा, यहाँ पर भी सही है, वनीला और चॉकलेट अगल बगल में ही रहेगा, बट गलत एक नंबर, चॉकलेट है बगल में वनीला नहीं है, बटर स्कॉच है चॉकलेट है वनीला बगल में नहीं है, ये भी गलत। अब बच गया 2 नंबर और 3 नंबर, इसके बाद क्या लिखा है, चॉकलेट और बटर स्कॉच एक साथ नहीं, चॉकलेट और बटर स्कॉच एक साथ नहीं होगा, चॉकलेट और बटर स्कॉच एक साथ नहीं होगा, वनीला और चॉकलेट को एक साथ खाया जा सकता है, वनीला और चॉकलेट एक साथ, वनीला और चॉकलेट एक साथ। सैम को वनीला, सैम वनीला नहीं खाता है, सैम वनीला नहीं खाता है तो सैम चॉकलेट खा लेगा,
या कुछ और खा लेगा। जॉन स्ट्रॉबेरी नहीं खाता है, जॉन चॉकलेट खा रहा है, एन कभी बटर स्कॉच नहीं खाती है, ये भी ठीक है। चॉकलेट और बटर स्कॉच एक साथ नहीं खाया जाता है। हमारे पास जो है सैम, जॉन और एन, सैम, जॉन और एन, ये भी ठीक ही है। चॉकलेट स्ट्रॉबेरी वनीला, तो जानकारी का तो कुछ कमी है जी। उपर्युक्त में से कौन से सही हो सकते हैं? तो दो और चार सही हो सकते हैं। आंसर होगा चार नंबर, दो और चार सही हो सकते हैं, ऑप्शन डी, क्योंकि ये दोनों सही जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये क्वेश्चन को देखिए, आकृति सन्निहित है, किसमें यह आकृति छिपा हुआ है ये बताना है आपको। तो किसमें यह आकृति छिपा हुआ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नहीं है, एक दो तीन चार पाँच छ ही हो रहा है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ठीक है, और ट्रायंगल नुमा ये होना चाहिए भी ठीक है। ऑप्शन चार नंबर, आकृति फोर। चलिए ये क्वेश्चन 47 नंबर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ से यहाँ बाबू प्लस 20, सॉरी माइनस 20, यहाँ से यहाँ माइनस 20, यहाँ से यहाँ माइनस 30 और यहाँ से यहाँ माइनस 40, तो 20 30 40 तो अब इस बार 50 यानी कि हो जाएगा जीरो। ऑप्शन हो जाएगा थ्री, सी ऑप्शन जीरो। 48 नंबर क्वेश्चन है, एफ जे एन आर में अगला अक्षर कौन सा होगा? 6 4 10 10 4 14 14 4 18 18 4 22 यानी कि भी, ऑप्शन एक नंबर ए ऑप्शन। बी सी ई जी, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ पता नहीं चल रहा। तो अगर प्लस 2 और 3 5, यहाँ पर बाबू प्लस 4 3 4 7, तो यहाँ पर 5 और 3 8 H, ऑप्शन एक नंबर H, आई आंसर नहीं। चलिए अगला संख्या श्रृंखला का अगला आकृति क्या होगा? पहले यहाँ पर आया, फिर दूसरे नंबर में यहाँ पर आया, तीसरे नंबर पर यहाँ पर आएगा, यानी कि सिंपल सी बात है चौथा वाले में यहाँ पे होगा, यहाँ पे ट्रायंगल होगा। है नहीं है, है। अब ये ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर, तो इस बार नीचे की ओर वाला होगा, नहीं है और ये है। ऑप्शन बाबू एक नंबर ए ऑप्शन, ऑप्शन एक नंबर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ट्रायंगल की संख्या कितनी है, ये बात हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले हम यहाँ डिजाइनिंग को ठीक कर लें, लड़के ने बहुत ज्यादा इस पे घिचिर पिचिर कर दिया है। ये है डिजाइनिंग, ज्यादा दिमाग चलाना नहीं है। 1 2 3 4, तो 4 × 2 बराबर बाबू 8, 1 2 ऐसे करके 3, तो 3 3 6 3 9 3 12, 12 और 8 कितना हो तो 20। आंसर हो जाएगा इसका 3 ऑप्शन सी, यानी कि 20 20 20 ट्रायंगल। ठीक है, शतरंज की बिसात में कितने आयत हैं? हो बहुत ही आयत होता है इसमें जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, तो बस अब जोड़ते रहिए, 8 7 6 5 4 3 2 1 ठीक है, 8 2 10 7 3 10 6 4 10, तो 10 3 का 30, 30 और 6 36, 36 गुना 36 ठीक है,
36 गुना 36 कर दीजिए, पहले इतना तो बॉक्सेस की संख्या हमको पता चल जाएगा, ठीक है 1296। तो ये हो गया 1296, जिसमें कि आयत और वर्ग दोनों का दोनों है, जिसमें कि आयत और वर्ग क्या है दोनों का दोनों है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 7 6 5 सॉरी वैसे छोड़िए, ऐसे कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64 1 65 49 4 9 16 25 और 36 सबको जोड़ दीजिए आपस में, कितना हो जाता है देख लेते हैं। 49 और 1 50 36 और 40 90 50 और 40 कितना 90 ठीक है, और 16 9 25 25 50 90 और 50 हो गया 140 140 और 64 140 और 60 204 इसमें से 204 घटा दीजिए 204 घटा दीजिए 6 में से 4 गया 2 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 12 में से 1092 जो होता है इसमें वर्ग होता है सॉरी आयत होता है। अगर सिर्फ आयत का बात कर लें तो 1092 और जितना के हमारे पास ऑप्शन में कहीं उपलब्ध वैसा नहीं है तो हम 1296 को ही टिक आउट करेंगे ऑप्शन एक नंबर, ठीक है क्योंकि 1092 आयत और वर्ग दोनों है और चूंकि सभी वर्ग आयत होता है इसीलिए वो भी काउंटेबल होगा। फिफ्टी थ्री नंबर क्वेश्चन है, यहां पर देखिए ये दोनों अल्टरनेट गया फिर मिल गया साथ में फिर यहां पर से हट गया फिर यहां आ गया, ओहो इसमें टाइम लगेगा। चलिए आगे बढ़िए, फिश मछली तो गल्फर मानव तो क्या, मछली गल्फरा से सांस लेता है मानव फेफड़ा से, ऑप्शन बाबू दो नंबर। निम्नलिखित शब्दों में कौन से जोड़े अर्थ सबसे अधिक समान है, रुको और जाओ अपोजिट वर्ड है, ऊंचा और नीचा अपोजिट वर्ड है, रोना और मुस्कुराना अपोजिट वर्ड है, प्रारंभ और शुरू ये बाबू समानार्थी शब्द है इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन दो नंबर प्रारंभ और शुरू। ये मैथ्स का क्वेश्चन होगा, लक्ष्य का अनेक अर्थ ये आपको हिंदी का क्वेश्चन है, ये सब सब हिंदी का क्वेश्चन है, ये सब इधर हिंदी का ही क्वेश्चन है, हिंदी का ही क्वेश्चन है। हाँ यहाँ पर यहाँ आ जाइए, फिर से सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हुआ 7 में से 3 गया तो 4 यहाँ पर 5 में से 4 गया तो 3 34 -14 -14 -14 -14 तो 1 आंसर हो जाएगा एक नंबर ए ऑप्शन। 96 क्या है देखिए, एबीसी एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं क्रमशः 24 सेकंड 36 सेकंड और 30 सेकंड के चक्कर पूरा करते हैं और कितने मिनट में वे प्रारंभिक बिंदु पर फिर से मिलेंगे, कितने देर में प्रारंभिक बिंदु पर फिर से मिलेंगे यही सवाल है इसका। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है इसमें, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए 24 36 और 30 का एलसीएम निकाल लीजिए, जो आएगा उसी से आपका आंसर हो जाएगा। 24 है 36 है और 30 है, 6 चौका 24 6 छक्का 36 6 पंच 36 अब तो लगने का भी नहीं, यहाँ पर 2 से लगेगा नहीं, 2 और यहाँ 3 और यहाँ पर 5 5 तरीका 15 दुना का 2 30 30 दुने के 60 छिछा के 36 360 क्या चीज़ है सेकंड है तो उसको मिनट में बदल दीजिए 360 सेकंड 60 सेकंड यानी कि 6 मिनट में, ऑप्शन बाबू दो नंबर बी ऑप्शन 6 मिनट बी ऑप्शन। चलिए मैथ्स का क्वेश्चन है, ये तो मैथों का था, पाई चार्ट का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, आइए यहाँ पे 100 क्या लिख रहा है इसमें, x y का मामा है जहां x का लिंग पुरुष है,
एक्स का लिंग क्या है, पुरुष है, और एक्स कौन है, वाई का मामा है। तो चलिए इसमें देखते हैं, एक्स वाई का मामा है जहाँ एक्स का लिंग पुरुष है, तो यह किससे पता चला, एक्स वाई का मामा है। मामा कहते किसको है, माँ के भाई को मामा कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो होगा, यानी कि एक्स के बाद माइनस का चिन्ह होगा तभी वो भाई आएगा, और जब वो भाई आएगा तो तभी वो मामा होगा। एक्स के बाद माइनस का चिन्ह नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बहुत बढ़िया। एक्स वाई का मामा है, प्लस का अर्थ है बहन और गुना का अर्थ है बेटी, पुत्री, बहन की बेटी, तो बहन की बेटी ये भांजी, तो ये कौन, मामा। ऑप्शन बाबू एक्स वाई का मामा है, ऑप्शन एक नंबर से पता चल रहा है। पी क्यू का भाई है, पी भाई है क्यू का, जो आर की बहन है, यानी कि क्यू जो है वह बहन है आर की। एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, टी क्यू की माँ है, और टी जो है वह क्यू की माँ है। एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, एस सॉरी टी क्यू की माँ है, एस टी का भाई, एस टी का भाई, एस टी का भाई है माँ का भाई, तो यानी कि कौन, मामा। तो एस जो है मामा है किसका, क्यू का। एस जो है कौन है, सॉरी पी क्यू का भाई है जो आर की बहन है, ठीक है। एस टी का भाई और टी क्यू की माँ, एस टी का भाई है, टी क्यू की माँ है, तो माँ का भाई मामा, एस क्यू से, तो माँ का भाई मामा, एस हो गया मामा, तो चाचा है उसी को लगाइए, अंकल, ठीक है। ऑप्शन दो नंबर, जिस घड़ी में 9 बजे की घंटी की सुई पूर्व दिशा को इंगित करती है, उसके लिए 1:30 बजे घंटी की सुई किस दिशा को इंगित करेगी। चलिए लिख रहा है क्वेश्चन में, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट, 9 बजे घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर, तो 9 बजे जो है घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर है, इसका मतलब 9 यहाँ होगा, 12 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ होगा और 6 यहाँ होगा, क्योंकि 9 बजे, तो इसका मतलब घंटा का सुई 9 पर, मिनट का सुई 12 पर होता है, ठीक है। अब क्या लिख रहा है इसमें, 9 बजे घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर, तो 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा की ओर, तो 1:30 बजे का मतलब होता है कितने बजे, 12 और 3 के बीच में सुई होना, 1:30 बजे का मतलब 12 और 3 के बीच में सुई होना, यानी कि साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा में घंटे का सुई उस टाइम में होगा, दक्षिण पश्चिम। यदि रवि को जनवरी, मंगल को मार्च, गुरुवार को मई के रूप में कोडित किया जाए, तो शनिवार को किस रूप में कोडित किया जाएगा, बढ़िया है। रवि को जनवरी, सोमवार को फिर हुआ फरवरी, मंगलवार हुआ मार्च, बुधवार हुआ सॉरी मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून हो जाएगा शुक्रवार, तो शनिवार हो जाएगा जुलाई, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, सी ऑप्शन। घड़ी का संबंध समय से है, उसी प्रकार मानचित्र का संबंध किससे है, घड़ी में समय देखा जाता है तो मानचित्र से स्थिति, जगह देखा जाता है, आंसर हो जाएगा 1 नंबर। यदि मनी टोनी से लंबी है, लंबा है लेकिन दीपक से छोटा, टोनी मनी टोनी से लंबा है, मनी जो है वह टोनी से लंबा है लेकिन दीपक से छोटा, मनी जो है दीपक से छोटा है, टोनी मोहन जितना लंबा है, टोनी मोहन जितना लंबा है लेकिन गोकुल से लंबा है, सॉरी टोनी मोहन जितना लंबा है लेकिन गोकुल से लंबा है, गोकुल से लंबा है, तो मोहन है, मोहन क्या है, टोनी से छोटा, नहीं मनी से छोटा है, हाँ मोहन जो है मनी से छोटा है, ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन।
हाँ जी 16 है, 256 है, तो 16 का स्क्वायर बाबू 256। निम्नलिखित में से असमान को चुनिए, ये बात कहा जा रहा है असमान। तो 16 यानी कि 4 का स्क्वायर 256, यानी कि 16 का स्क्वायर 64 यानी कि 8 का स्क्वायर, 1024 भी होता है किसी ना किसी का स्क्वायर, लेकिन 624 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं, 625 स्क्वायर होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। 1331 है, 11 का क्यूब, 2197 है, 13 का क्यूब। यहाँ पर सब जो है किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है। 6859 पे हमको डाउट है, ठीक है, शायद 6859 किसी संख्या का क्यूब नहीं होता है, या फिर चेक कर लीजिएगा, जो क्यूब नहीं होगा वही आंसर होगा। चलिए अगला है, सब मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग क्या लिख रहा है, ए बी सी डी कैरम खेल रहे हैं, ए सी और बी डी साझेदार है, डी सी के बाएं किसका मुंह पूरब की ओर। चलिए ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, डी सी के बाई ओर है जिसका मुंह पूरब की ओर है, डी सी के बाई ओर है, सी के बाई ओर है कौन, तो डी जिसका मुख पूरब की ओर है, यानी कि सी का मुख जो है वो है पूरब दिशा की ओर, तो इसका मतलब सी को यहाँ रखेंगे तभी उसका मुख पूरब की ओर होगा, तो डी यहाँ पर जाएगा। ए सी जोरीदार है, बी डी जोरीदार है, तो डी का मुख किधर है, तो डी का मुख बाबू दक्षिण दिशा की ओर है, ऑप्शन एक नंबर ए ऑप्शन। निम्नलिखित श्रृंखला को ध्यानपूर्वक देखें, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि श्रृंखला का दूसरा भाग उलट दिया जाए तो कितनी संख्याओं के बाद एक वर्ग आता है। दूसरा भाग यहाँ पर होगा शायद, और यहाँ से उलट दीजिए तो कितनी संख्याओं के बाद एक वर्ग वर्ण आता है, कितनी संख्याओं के बाद एक वर्ण आता है। संख्या के बाद वर्ण नहीं है, संख्या के बाद वर्ण नहीं है, वर्ण नहीं है, वर्ण नहीं है, कितनी संख्याओं के बाद एक वर्ण आता है, सॉरी वर्ण मतलब अक्षर, संख्या के बाद अक्षर होगा, संख्या के बाद अक्षर होगा एक, यहां पर यही एक ठो है, यानी कि सिर्फ एक ठो, संख्या के बाद अक्षर सिर्फ एक जगह पे आता है। सितंबर 2016 को समाप्ति माह में घरेलू जीडीपी, चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये सब हो गया जीके जीएस का क्वेश्चन, जीके और जीएस। सीएस सर को बुलाइए ना, खत्म।